सो अभी मैंने इस साइकिल पे टोटल को इस साइकिल के मोटर से कनेक्ट किया है और टोटल घुमा रहा हूँ, तो ये मूव नहीं कर रहा है, मोटर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वही पुराना वाला होल सेंसर को ही सोल्डिंग करके फिर से मैंने पैक करके उस मोटर को लेके आ गया घर पे। तो आप देख सकते हो कि ये वाला मोटर का ऊपर का जो हिस्सा है ये खुल नहीं रहा है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुलगा सिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोस्तों आज मैं आपको हीरो इलेक्ट्रो जो मेरा साइकिल है इसके बारे में कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। इस साइकिल में मैंने काफ़ी सारे चेंजेस किया है, जैसे इसमें मैंने हेडलाइट लगाया, बैटरी लगाया, इसके अंदर GPS लगाया, उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है, आपने अगर देखा है तो अच्छा है, नहीं तो आप आई बटन में जाकर चेक कर सकते हो। ये सारा जो वीडियो दिखा है ये मैंने हेडलाइट के बारे में, साइकिल के अंदर जो मैंने एंटीपंचर लिक्विड डाला था उसके बारे में, बैटरी के बारे में बताया था। तो ये साइकिल करीब करीब मैं दो साल तीन चार महीने से चला रहा हूँ, जो डेट है वो आप देख पा रहे हो उधर। तो ये दो साल तीन चार महीने के बाद मुझे इस साइकिल में कुछ इशू आया है, जिसका मोटर है उसका जो होल सेंसर वो ख़राब हो गया था, तो मैंने अभी उसको ठीक किया। फिर एंटी पंचर लिक्विड डालने के बाद भी लीक हुआ, और लीक को मैंने कैसे ठीक किया, इसका स्पोक टूट गया था वो मैंने ठीक किया। वो स्पोक कहाँ से मिलता है, ये नॉर्मल साइकिल का स्पोक इसमें नहीं लगता है, तो हब मोटर वाला स्पोक अलग होता है, वो क्या है। और इसका पैडल असिस्ट सेंसर जो है वो भी ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको चेंज किया, कितने प्राइस में चेंज किया, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँ। और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे डिटेल्स है, जैसे कि मैंने ये इसका मोटर का होल सेंसर को मैंने काफ़ी बार चेंज किया, मतलब एक बार में इसका होल सेंसर चेंज करने से काम नहीं हुआ, दो तीन बार चेंज करना पड़ा, क्यों पड़ा, वो भी सब कुछ आपको मैं वीडियो के अंदर ही आज डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल लेने के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखोगे तो इस साइकिल के बारे में आप काफ़ी डिटेल में जान सकते हो। अगर आपने इस साइकिल के बारे में और भी जानना है तो आप मेरा ये सारा वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगा इस साइकिल के बारे में। उससे ये वीडियो बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है, जो आप वीडियो देख के ही पता लग जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज्यादा बकबक ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा हीरो इलेक्ट्रो का साइकिल है जिसको मैंने 2 साल 2-3 महीना यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरा ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, इसमें मैंने दिखाया था कि कब मैंने इस साइकिल को परचेस किया है, कितने में परचेस किया है। उसके बाद इस साइकिल में काफ़ी छोटी मोटी खराबी आया था, वो मैंने कैसे ठीक किया उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद इसमें मैंने एक्स्ट्रा बैटरी फिटिंग किया, इसके अंदर एक मीटर जिससे आप बैटरी का वोल्टेज चेक कर पाओगे वो लगाया, उसके अंदर GPS लगाया, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, ये कन्वर्टर है। तो आज मैं जिस टॉपिक में के बारे में बात करने वाला हूँ, इस साइकिल का जो है मोटर, ये मोटर ख़राब हो गया है। तो 2 साल 3-4 महीने के बाद ये इसका जो मोटर है ये ख़राब हो गया है, और मोटर ख़राब हुआ है ये मुझे कैसे पता लगा वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। एक बार मैं आप सबको मोटर को एक बार घुमा के दिखा रहा हूँ। तो इधर मैंने स्विच को ऑन किया, तो आगे इसमें पावर बटन, और इधर आप देख पा रहे हो अभी लो पे है, इसको दबाने से मीडियम एंड हाई आ जाएगा, फिर से लो में आ गया, अभी मैं टोटल को घुमा रहा हूँ। तो एक बार आप लोग इधर देखना, तो टोटल को घुमा रहा हूँ, चक्का नहीं घूम रहा है, ठीक है। ये जो लाइट है ये जल के इधर आ जाता था, जो अप डाउन होता था, अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं ऐसे टोटल घुमाता था तो इसका ये अप डाउन होता था, अभी नहीं हो रहा है। तो ये जो आप देख पा रहे हो इसको मैंने खोल के दूसरे एक साइकिल के जो मोटर होता है उसके साथ मैंने फिट किया था। तो ये वाला मतलब वायर खोल सकते हैं खींच के ऐसे, तो दूसरे वाला साइकिल का मोटर का ऐसा सेम था, उसका उसके अंदर से जो ऐसा वायर आ रहा था तो दूसरे का मोटर से फिट करके मैंने टोटल दिया, तो वो वाला मोटर घूम रहा था, और उस साइकिल का फिर वायर के साथ मैंने इस मोटर को ज्वाइन किया और टोटल दिया तो ये मोटर घूम नहीं रहा था। तो मुझे पता लग गया कि ये ऐसे काम करता है, मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ सीन है, ये देखो अभी मैं बात कर रहा था जिस चीज़ का, वो इधर दिखा रहा है आपको कि हाई हाई पे अप डाउन होता जा रहा है लाइट। तो ये सीन है। तो चलिए अभी इस साइकिल का मोटर जो है इसको ओपन करते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या खराबी है। मेरे ख्याल से इसका होल सेंसर गया है, तो होल सेंसर जाने के बाद इसको कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। ये टोटल इधर से मैंने इसको खोल दिया है, और ये वाला कनेक्शन मैंने इस पर लगाया है, ठीक है। अभी मैं टोटल दे रहा हूँ, ये चक्का घूम रहा है, तो इसका मोटर का इशू होगा, तो खुला हुआ है। तो अभी मैंने इस साइकिल पे टोटल को इस साइकिल के मोटर से कनेक्ट किया है और टोटल घुमा रहा हूँ, तो ये मूव नहीं कर रहा है ये वाला मोटर। जो आपको मल्लिक बाज़ार में मिल जाएगा, और ऐसा एक रेंज चाहिए जिसको मैं इसको घुमा के निकाल सकता हूँ। और इसमें मिले कुछ स्क्रू का सीन है, इसमें एक एलन की जैसा एक स्क्रू है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक मिनट। तो ये वाला चाहिए मुझे जो इसके मोटर के अंदर नट होगा उसको निकालने के लिए। तो अभी खोलते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले मुझे ब्रेक का ये वाला खोलना पड़ेगा, तो इसको खोलने के लिए बस
सो इससे ब्रेक लूज़ हो गया है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वापस जब हो जाएगा तो मैं इसको लगा दूंगा और ब्रेक टाइट हो जाएगा। अब मुझे ये वाला नट खोलना है और इसका जो चैन है ये पीछे इसको निकालना है। सो ये बहुत टाइट है, निकल नहीं रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये वाला स्प्रे यूज़ करूँगा और इस साइड भी स्प्रे कर देता हूँ। दोस्तों इसका चक्का जो था वो निकाल लिया है। अब जैसे इसका सेटिंग था मैं इस पर लगा दूंगा कि बाद में फिर ये खो ना जाए। ये नट बोल्ट फिर से मैं फिट कर रहा हूँ इस पर कि काम होने के बाद आराम से हमें मिले। दोस्तों मेरे मोटर में 3 स्क्रू लगा हुआ था, उसमें से 2 स्क्रू को मैंने आराम से निकाल लिया और एक जो स्क्रू है वो मेरे से निकल नहीं रहा था, वो काफ़ी टाइट था। इसलिए मैंने इस साइकिल को साइकिल शॉप पे लेके गया और उन्होंने उस स्क्रू को तोड़ के निकाला। उसके बाद साइकिल सर्विस मैन ने जो मोटर का फ्री व्हील था उसको निकाला और उसका जो 3 स्क्रू होता है जो आप अभी देख पा रहे हो उसको भी हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद मोटर आराम से निकल गया। अब मैं इसको लेके गया शॉप पे जहाँ पर इसका होल सेंसर चेंज होने वाला है। तो मोटर हमने निकाल लिया, इसके अंदर से ये रखा हुआ है। तो इधर ये 3 होल सेंसर हैं और ये जो होल सेंसर है अभी इसको लगाने वाले हैं हम लोग इस पर। इसके लिए मुझे ये 2 स्क्रू भी खोलना पड़ेगा। जब मैंने वो दोनों स्क्रू खोला उसके बाद मैंने नोटिस किया कि होल सेंसर में से एक वायर जो है वो सोल्डरिंग निकला हुआ है। तो मुझे लगा कि एक सोल्डरिंग लूज होने की वजह से ये मोटर काम नहीं कर रहा है, इसलिए वही पुराना वाला होल सेंसर को ही सोल्डिंग करके फिर से मैंने पैक करके उस मोटर को लेके आ गया घर पे। उसके बाद जब मैंने इस मोटर को घर पे लेके आया और अपने साइकिल से कनेक्ट करके इस मोटर को घुमाने की कोशिश किया तो मैंने नोटिस किया कि ये मोटर काम नहीं कर रहा है। तो मुझे पता लग गया कि इसका होल सेंसर ही चेंज करना होगा। तो मेरे पास 3 पुराना जो होल सेंसर मैंने आपको वीडियो के में थोड़ी देर पहले दिखाया था तो उसको ही मैंने चेंज कर लिया। तो दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हो ये होल सेंसर का कलर है ग्रीन और पहले जो इसमें होल सेंसर लगा हुआ था उसका कलर था रेड। तो मैंने 3 होल सेंसर को चेंज कर लिया। उसके बाद इस मोटर को मैंने घर पे लेके आया और अपने साइकिल से कनेक्ट करके इसको चेक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि मोटर काम कर रहा है। उसके बाद मैंने चक्के को इस साइकिल के साथ फिटिंग करके यूज़ करने लगा और 15 डेज यूज़ करने के बाद मुझे पता लगा कि पीछे का जो चक्का है उसका थोड़ा सा टाल हो रहा है, तो साइकिल इधर उधर मूव करता था और इस साइकिल का पीछे का जो कुछ स्पोक था वो भी टूट गया था तो उसको भी मुझे चेंज करना था और साइकिल में एक लीक भी हुआ था उसको भी मुझे ठीक करना था जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मेरा साइकिल अभी ऑन है और इसका जो पैडल असिस्टेंस है वो काम नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, मे बी इसमें जो इसका मैग्नेट है इसमें काफ़ी सारा जंग लग गया होगा इसलिए नहीं घूम रहा है ये। तो इसको मैं आज क्लीन करने वाला हूँ, इसको खोल के निकाल के क्लीन करने वाला हूँ। जो भी इशू है वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो अभी चक्का भी हम लोग ओपन करेंगे और इसका कुछ स्पोक टूट गया है जो आज ठीक करेंगे। तो इधर से हमने ये जॉइंट खोल दिया है, अभी मोटर इधर से निकल जाएगा चक्का, ब्रेक का ये भी खोलना होगा हमें, तो ये खोलेंगे तो निकल जाएगा। तो जब तक इधर काम हो रहा है तब तक मैं इसको खोल रहा हूँ, तो ये खोल के मैं इसको निकाल रहा हूँ। सो इधर एक लीक था जो अभी ठीक कर दिया है मैंने, तो इसके अंदर एंटी पंचर लिक्विड था इसलिए ये जो लीकेज था छोटा सा ही था तो हवा नहीं निकलता था। तो अभी ये लीकेज मैंने ठीक कर दिया है, तो अभी इसमें फिर से चेक करूँगा हवा निकल रहा है कि नहीं। सो दोस्तों अभी टाल ठीक करने के बाद इधर हमें 6 स्पोक चेंज किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्पोक चेंज हो गया है। तो मेरा जो साइकिल का पीछे वाला मोटर था उसका 6 स्पोक टूट गया था। इस स्पोक का क्या प्राइस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप उधर से चेक कर लेना। तो दोस्तों ये जो साइकिल है मैंने अभी दिखाया आपको कि लीकेज मैंने ठीक किया है, ये लीकेज मैंने खुद से ठीक किया है। मैं अभी आपको दिखा दूँ, इस लीकेज को ठीक करने के लिए मैंने कुछ कुछ सामान जो है बेंटिंग सीट से खरीदा था। ये वाला आप देख पा रहे हो जो इसको ऊपर लगाना लीकेज हो जाए तो उसके अंदर लगाने के लिए जो यूज़ होता है, तो इसका प्राइस लिखा हुआ है 90 रुपीज़, लेकिन ये मुझे पड़ा है इधर आप देख पाओगे 62 रुपीज़ का और इसके अंदर 40 पीसेज है। अगर आप लोकल शॉप से ये साइकिल का लीकेज ठीक करने जाओगे तो वो 20 रुपीज़ ले लेता है, तो आप समझ ही सकते हो आप कितना पैसा बचा सकते हो। ये स्पोक मैंने दिखाया कि अभी चेंज किया, तो एक स्पोक का प्राइस मेरे से लिया है 10 रुपीज़ करके। ये जो स्पोक है ये हाफ मोटर को यूज़ मतलब हाफ मोटर के लिए यूज़ होता है ये स्पोक, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसे नॉर्मल आपको 5-6 रुपीज़ में मिल जाएगा। अब ये टूल देख सकते हो जो टायर खोलने के लिए यूज़ होता है, तो ये मेरा मुझे पड़ा है 30 रुपीज़ जो आप ऊपर देख सकते हो। और ये जो लिक्विड है, तो आप अगर कभी दिखाए कि लीकेज कैसे ठीक होता है तो आपको पता है ये इससे घिस के फिर इस ग्लू को लगा के फिर इसको लगाते हैं, तो ये जो ग्लू का प्राइस है इसका प्राइस है 52 रुपीज़। और ये आप देख पा रहे हो ये हवा का जो नोजल होता है उसको निकालने के लिए यूज़ होता है, तो ये मुझे पड़ा है 20 रुपीज़ का।
तो दोस्तों इधर स्पोक का जो काम था वो हो गया है, उसको लगा दिया है। अभी इसका जो पैडल था इसको बहुत मेहनत से खोला गया है, तो ये खोल के रखा हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा कचरा हुआ था, इसको क्लीन किया है। अभी इसको भी खोलेंगे और इसको भी क्लीन करेंगे, उसके बाद फिट करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम नहीं करेगा तो फिर मुझे नया कुछ इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पैडल असिस्ट सेंसर को साफ आप करके लगाया, उसके बाद भी पैडल असिस्ट सेंसर काम नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन एक पैडल असिस्ट सेंसर ऑर्डर किया है, वो पैडल असिस्ट सेंसर आ जाएगा तो मैं इस वीडियो के एंड में उसको ऐड कर दूंगा, कितना प्राइस लगाया और कैसे मैंने उसको फिट किया अपने साइकिल में, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा दिखाने की। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि मेरा साइकिल जो है सब कुछ फिट होने के बाद फिर से इसका जो होल सेंसर है वो कट गया। 4-5 दिन चलाया उसके बाद फिर से इसका होल सेंसर ख़राब हो गया, और फिर से मैंने इस होल सेंसर को खोल के इस बार मैं एक स्कूटी के शॉप पे लेके गया, जो स्कूटी जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी के शॉप पे, उधर जाके मैंने होल सेंसर को चेंज किया। तो दोस्तों वीडियो के अंदर मैंने बताया कि रेड वाला होल सेंसर खोल के मैंने सेकेंड टाइम ग्रीन वाला होल सेंसर लगाया था, तो उन्होंने उस ग्रीन वाला होल सेंसर खोल के जो स्कूटी का होल सेंसर होता है जिसका पर पीस एक पीस का प्राइस है 150 रुपीज़, ऐसे मैंने 3 होल सेंसर लगाया जिसका प्राइस था 450 रुपीज़, तो वो 3 होल सेंसर लगाया मैंने इस पर। तो वो मैंने कैसे लगाया, क्या जुगाड़ करके लगाना पड़ा, पूरा मैंने इस मोटर को खोला उसके बाद इस होल सेंसर को लगाया, वही मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये वाला मोटर का ऊपर का जो हिस्सा है ये खुल नहीं रहा है, तो इसको हमने काफ़ी जुगाड़ लगा के रबर लगा के इसको खोला गया, फिर मोटर को अच्छे से बाहर निकाल के फिर इसको नया वाला होल सेंसर जो है उसको सोल्डर किया गया हुआ है। तो आप इधर नीचे देख पा रहे हो ये उसका ढक्कन है, और इधर नया वाला होल सेंसर लगाया जा रहा है। तो जब मैंने इससे पहले लगाया था तब मैंने ऊपर का ढक्कन नहीं खोला था, तो मैंने बाहर बाहर से ही लगा दिया था, इसलिए शायद इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गया होगा। तो अभी पुराना वाला होल सेंसर मैंने खोल दिया जो मैंने सेकंड टाइम लगाया, तो इधर और बाकी के 3 होल सेंसर लगा के फेविक्विक से इससे अच्छे से चिपका के फिर इसको असेंबल करके फिर मैं अपने साइकिल में इसको फिट करने वाला हूँ। तो दोस्तों फिर से मेरे साइकिल में एक दिक्कत हो गया, 10 दिन साइकिल को चलाने के बाद, होल सेंसर लगा के 10 दिन साइकिल को चलाने के बाद, ये ऊपर वाला जो बैटरी है, मेरे साइकिल में 2 बैटरी लगता है, एक तो बाहर जो मैं चार्ज दे सकता हूँ निकाल के, और इसके अंदर जो एक बैटरी है जो इसके अंदर ही फिक्स रहता है। तो अंदर वाला बैटरी जो है उसमें मैं चाबी लगा के साइकिल में टोटल देता था, स्विच देता था, तो साइकिल चलता था, तो उसमें मुझे 25 माइलेज मिल जाता था। और जो बाहर वाला बैटरी है इसमें मैं चाबी लगा के, जो नीचे वाला चाबी है इसको लगा के स्विच ऑन करता था और टोटल देता, तो बार बार स्विच ऑफ हो जाता, ये वाला जो स्विच था ये ऑफ हो जाता था, तो ऐसे ऑफ हो जाता था टोटल देने से। तो इसके अंदर जो है इस बॉक्स के अंदर कुछ खराबी हुआ था, इसका कुछ पार्ट्स खराब हो गया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या खराब हुआ था, तो मैं सर्विस सेंटर पे लेके गया और उन्होंने इसके अंदर जो सामान था उसको चेंज कर दिया था। उसके बाद अभी फिलहाल मेरा साइकिल ठीक ठाक चल रहा है, आगे फ्यूचर में कुछ दिक्कत होगा तो मैं उसके बारे में एक अपडेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों एंटी पंचर लिक्विड मैंने इसके अंदर डाला था जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया था। तो इसके डालने का एक फायदा, जैसे कि आप रास्ते पे जाओगे तो लीक नहीं होगा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका पुराना वाला नोजल है जो इसके अंदर अटक गया था, जिसके अंदर से नहीं निकल रहा था। तो इसका जो मुँह है ये मैंने चाबी घुमा के इससे मैंने निकाला है, निकालने के बाद सिर्फ ये निकला था, और इसका जो मुंह है ये अटक गया था अंदर, तो मैंने इसके पीछे से सेप्टिकिन डाल के इसके मुंह को निकाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ, अभी मैंने देखा तो 2 लीकेज हुआ था जिसको मैंने ठीक किया है, एक ये रहा और ये सो ये 2 लीकेज काफ़ी दिन पहले हुआ था जिसको मैंने ठीक करना नहीं पड़ा बिकॉज इसके अंदर एंटी पंचर लिक्विड था। लेकिन आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आप एंटी पंचर लिक्विड यूज़ करो हर 3 महीने में ये जो नोजल है ना इसको चेंज किया करो, नहीं तो इसका हालत कुछ ऐसा ख़राब होता जाएगा। ये मैंने एक नया नोजल लिया है 5 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, तो हर 3 महीने में आप इसको चेंज किया करो। तो अभी मैं इसको घिस के जो पीछे मैंने लीक किया था उसके ऑपोजिट में इसको घिस के और ये वाला लगाने वाला हूँ। आपको घिस के कुछ नहीं करना होता है, घिसने के बाद ये जो लिक्विड है इस पर लगाना पड़ता है, उसके बाद थोड़ी देर सूखने के बाद ये आपको इस पर लगा देना है। तो दोस्तों मैंने जो वीडियो में अनबॉक्सिंग करा हुआ पैडल असिस्ट सेंसर दिखाया था, तो मैंने उस पैडल असिस्ट सेंसर को इसको लगाने में ट्राई किया था लेकिन वो लगा नहीं। अब देख सकते हो मैं एक नया वाला पैडल असिस्ट सेंसर, जैसे इसमें पुराना वाला था तो वैसे ही एक पैडल असिस्ट सेंसर इसमें मैंने फिट कर दिया है, और इसके बाद ये काम कर रहा है। मैं आपको एक बार घुमा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने हल्का सा घुमाया, अब देख सकते हो कितनी तेज़ घूम रहा है। तो ये दूसरा एक पैडल असिस्ट सेंसर है, जो मेरा पहले वाला था वो पूरा ख़राब हो गया था, ये नया एक पैडल असिस्ट सेंसर है जिसको मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, इसका प्राइस जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
तो दोस्तों आई होप कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा इस साइकिल के बारे में। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट हो इस साइकिल को लेके या फिर सर्विस को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों इस वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत और टाइम लगा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे वो सपोर्ट दिखा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।